अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली आलू और अंडे की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को बनाने के बाद गोश्त की बिरयानी खाना भूल जाएंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और साथ ही मैं यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से रायते की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। आलूओं को मैंने यहाँ पर बॉईल किया है, अंडे को भी बॉईल कर लिया है। अंडे की क्वांटिटी आप चाहें तो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आधा किलो बासमती राइस लिया है और इनको एक घंटे से भिगो कर रखा है। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। आप लोग चावलों के हिसाब से ही ऑयल डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े से आलू और अंडे को फ्राई कर लेना है, थोड़े से, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए, उसके बाद मैं आलू और अंडे दोनों चीज़ों को निकाल लूँगी। तो अंडे को भी मैंने यहाँ पर बॉईल करके लिया है। आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। बहुत मज़ेदार बिरयानी लगती है सर्दियों में, तो खासकर ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लूँ आलू अंडे को, फिर दिखाती हूँ। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है साबित, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है साबित, 2 खाने के चम्मच नमक है, बादियान के फूल 2 टुकड़े हैं और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल के पानी के साथ ही बॉईल करना है। उसके बाद आप लोगों ने चावल डाल के 95% तक चावल को गला के उसके बाद पानी ड्रेन कर लेना है। आलू और अंडे को मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर आलू और अंडे को फ्राई नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 अदद प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज लिए हैं। इनको बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट गोल्डन सा ब्राउन करना है। रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग मेरी किस जगह से वॉच करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है, मेरी भी हौसला अफज़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँ इतनी देर, फिर दिखाती हूँ। प्याज में यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ गया है, ये देखें, लाइट सा मैंने गोल्डन सा कलर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, फ्रेश अदरक लहसुन को चॉप किया है, इससे मज़ीद मज़ेदार फ्लेवर होगा बिरयानी का। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी यहाँ पर और ड्राई स्पाइसेस भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ देखें, 1 खाने के चम्मच भर कर पीसी मिर्च ली है, 1 खाने के चम्मच ही नमक लिया है, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी ली है जस्ट कलर के लिए, और 1/2 खाने के चम्मच मैंने होममेड गरम मसाला लिया है। तो मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, कम ज़्यादा जिस तरह से आप लोगों को खाना पसंद हो। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर मसाले को भून लूँगी। मसाले को 1 मिनट भूनने के बाद मैंने यहाँ पर अब डाल लेना है आलू और अंडे, फ्राई किए हुए आलू और अंडे को हमने यहाँ पर डाल लेना है। दही ली है मैंने यहाँ पर 1/2 प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा, 1/4 प्याली छोटी प्याली से ली है, थोड़ी सी खट्टी वाली दही का यूज़ कर रही हूँ मैं। फ्लेम को यहाँ पर आप लोग मीडियम कर दें और अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लें। बाकी के मसाले भी इसी पॉइंट पर हमने ऐड कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर आलू और अंडे दोनों चीज़ें अच्छी तरह से बॉयल हुई हुई हैं, तो यहाँ पर हमने गलाना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के 4 अदद टमाटर लिए हैं, इस तरह से इनमें मैंने कटिंग की है इनको स्लाइस में। तो अब थोड़े से टमाटर को मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी दम के लिए, और थोड़ी सी हरी मिर्चों का यूज़ किया है, थोड़े से पुदीने हैं, और 1 अदद मैंने लीमू लिया है। तो यहाँ पर थोड़े से लीमू, टमाटर और पुदीना को भी मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। और बिरयानी मसाला मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाले में से 1/2 पैकेट बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चावल की क्वांटिटी मेरे पास 1/2 किलो है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने मसाले ऐड करने। थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 से 3 खाने के चम्मच। अब यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर यहाँ पर हमारा अंडे और आलू का कोरमा बनकर तैयार हो जाएगा। चावल भी मैंने डाल दिए हैं, चावल 95% तक गल जाएं, उसके बाद मैं ड्रेन करके फिर दम करते हुए दिखाती हूँ आप लोगों को लेयर करते हुए। आलू अंडे को 5-6 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर पका लिया है मसालों के साथ। कोरमा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1/2 कोरमे को निकाल लूँगी, उसके बाद लेयर करूँगी। देखें, 1/2 कोरमे को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। चावलों का पानी मैंने यहाँ पर ड्रेन कर लिया था, 95% तक यहाँ पर मैंने चावलों को गलाया है। 1/2 चावल मैं अभी डाल रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सालन डाल के जो हमने बाकी की चीज़ें बचाई थी, टमाटर, पुदीना और लीमू वगैरह, तो वो भी इसी में डाल दूँगी। लेयर तो आप सबको ही करना आता होगा बिरयानी का। तो ये देखें, बाकी के भी मैं सालन इसी तरह से इसके ऊपर डाल दे रही हूँ।
उसके बाद पुदीना टमाटर आप लोगों ने जितनी चीज़ें बचा कर रखी हैं इस तरह से ऊपर दम में डाल दें, और उसके बाद दोबारा से चावल डाल दें। और फूड कलर लिया है मैंने यहाँ पर, तो आप लोग फूड कलर भी लाजमी डालिएगा, बिरयानी का कलर इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो सारे चावल मैं यहाँ पर लास्ट में डाल दूँगी। फूड कलर डालने के बाद मैं यहाँ पर चावलों को दम लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने 10 मिनट के लिए यहाँ पर दम लगाना है। 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ, यानी मैं दम लग रहा है इतनी देर के लिए मैं आप लोगों को रायते की रेसिपी दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही ली है, 1.5 पाव दही है, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, और यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा लिया है, इसको हाथों से ही क्रश किया है, और नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक लिया है, या 1/2 टेबल स्पून आप लोग ले लें, दही के हिसाब से ही लेना है। और अच्छी तरह से नमक और मसालों को मिक्स कर लें यहाँ पर, नमक और जीरे को। तो यहाँ पर मैंने खीरे लिए हैं, रेड वाली मूली ली है, टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर, और प्याज लिए हैं। चारों चीज़ों को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक सा चॉप किया है। चारों चीज़ें डाल के आप लोगों ने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार बिरयानी के साथ ये रायता लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसे मिक्स करके रख दे रही हूँ, 5 मिनट रह गए हैं। बिरयानी में दम लगने के बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। आलू और अंडे की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बिरयानी मैंने यहाँ पर रायते के साथ सर्व कर दी है। एक एक दाने खिले हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।